गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने क्या करा था, एक लॉ दिया था, उसी लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो देखो ओम्स ने क्या करा था, देखो पहले लॉ को समझते हैं उसके बाद लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक सर्किट डायग्राम बनाई। इस सर्किट डायग्राम में उन्होंने एक बैटरी लगाई। ठीक है, ये जो एरो का साइन है ये क्या दिखा रहा है कि जो बैटरी है इसकी जो वोल्टेज है वो कैसी है, वेरिएबल है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसको हम वेरी कर सकते हैं कहां से कहां, 0 to 10 volt। ठीक है, जिस तरह से हमने कल रेगुलेटर का एग्जांपल दिया था रियोस्टेट का कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से हम इसके पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, आपका कोई और डिवाइस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल को मेजर करेगा। यहाँ पे क्या है, की है जो दिखा रही है कैसी है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे पोटेंशियल और करंट के बीच में एक टेबल ड्रॉ करा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि पहले वोल्टेज 0 थी तो करंट भी कितना था, 0 था। उन्होंने क्या करा, वोल्टेज को 2 volt कर दिया। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या मेजर करा कि करंट कितना फ्लो रहा है, तो उनको मेरा करंट कितना फ्लो रहा था, 1 ampere। ठीक है, बाद में उन्होंने इसको 4 volt कर दिया तो करंट मिला कितना, 2 ampere। 6 volt कर दिया तो 3 ampere, 8 volt कर दिया तो 4 ampere, 10 volt कर दिया तो 5 ampere। ठीक है, तब उन्होंने क्या करा, इन दोनों की रेशियो निकाल ली। तो जब 0 था तब तो 0 ही रहेगी, उसके बाद रेशियो कितनी आई, 2, फिर कितनी आई, 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या करा, फिर यहां से उन्होंने क्या करा, एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, उसी के बेस पर उन्होंने क्या करा, अपना लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो पोटेंशियल होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यहां पे उन्होंने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, वो कांस्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और उन्होंने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस रह रही है ये क्या रह रही है, हमेशा कांस्टेंट रह रही है। देखो कांस्टेंट कैसे रह रही है, उन्होंने रेशियो निकाल ली बी वाई आई की, ये क्या आएगा आपके पास, देखो यहां से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी वाई आई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या रह रही है, हमेशा कांस्टेंट रह रही है। उन्होंने क्या करा, फिर एक ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, बी और आई के बीच में। ठीक है, बी 0 0 2 हुआ, बी 2 हुआ पोटेंशियल तो एम्पियर, वन करंट कितना हो गया, 1 ampere। बी 2 हुआ तो करंट कितना हो गया, 1 ampere। बी 4 हुआ तो करंट कितना हो गया, 2 ampere। 6 हुआ तो 3 ampere। तो उन्होंने क्या करा, इन पॉइंट्स को मिला दिया आपस में। उसके बाद उन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर जब एक लाइन ड्रॉ करी है तो लाइन उनको कैसी मिली है कि स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, यहां पे कैसी लाइन मिल रही है उनको, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या बता रही है कि रेजिस्टेंस क्या रह रही है, हमेशा कॉन्स्टेंट रह रही है। ठीक है, अगर आप इस लाइन की क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो स्लोप हमेशा क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। ठीक है, इसके बाद तो ये था आपका ओम्स का लॉ। अब उन्होंने क्या कहा कि आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस देखो ऐसी चीज होती है जैसे कि आपका कुछ कोई चीज फ्लो हो रही है, जैसे आपका वाटर का फ्लो ले लेते हैं हम। ठीक है, अब वाटर का फ्लो हो रहा है कहीं पे और हमने क्या करा, बीच में कुछ पत्थर रख दिए, वो पत्थर क्या करेंगे, उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पे फ्लो ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि आपके करंट को फ्लो होने से अपोज कर रही है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, जो यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के वो होते हैं ओहम, ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको जो रेजिस्टेंस दी होगी वो इस तरह से लिखी होगी, 2 ohm, 3 ohm, ये वाला आपका बहुत कम यूज होता है,
मैक्सिमम हम इसी को ही यूज करेंगे जब भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तब जो 1 ओम होता है वो क्या होता है, तो 1 ओम क्या होता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब आपके पास क्या होगा, वोल्टेज कितनी होगी 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितनी होगी 1 ओम होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं 1 ओम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से बच्चों, जो R है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, B के ऊपर, I के ऊपर कर रहा है डिपेंड, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। अब देखो इस वोल्टेज को मैं बढ़ा दूं या इसको बढ़ा दूं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यहां पे एक बल्ब लगा है 10 वोल्ट का आपने क्या लगा रखा है, यहां पे एक बल्ब लगा रखा है, अगर मैं इसमें से वोल्टेज को 10 वोल्ट कर दूं तो इसकी क्या वोल्टेज बढ़ जाएगी, जो उसकी पावर थी वो बढ़ जाएगी, 10 वॉट का लगा रखा था मैंने, वो 10 वॉट का ही रहेगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस उसकी अगर 10 ओम है, अगर सपोज यहां पे रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, अब इसको मैं चाहे 20 वोल्ट कर दूं तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, ये बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा जो ये करंट है, करंट की जगह मैं अगर 1 एम्पियर ले रहा हूं तब भी रेजिस्टेंस यही रह रही है, 2 एम्पियर आऊंगा तब भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एम्पियर आ जाएगा तब भी रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहेगी यहां पे। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है ना वो बी के ऊपर डिपेंड करती है ना वो आई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में पढ़ेंगे।